शिक्षा देने का या ग्रीट करने का दिन है। इस दिन हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व में भी इस दिन को एक इस तरह से महत्व है कि आप शुभकामनाएं देती हैं और वो शुभकामनाएं देनी चाहिए। हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी आज उद्धव साहब को शुभकामनाएं दी है और हम लोग सब चाहते हैं। मैं हमारे जो सब MLAs है वो भी अपनी शुभकामनाएं देने के लिए उन्होंने मुझे बोला है, इसलिए मैं उन सब की तरफ से उद्धव जी को आज उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छाएं देता हूं। वो उनको अच्छी आयु मिले, उनसे बहुत सारी सेवा महाराष्ट्र की जनता को हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। एक शुभकामना जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी थी उसके बारे में भी कुछ गलत बातें आ रही है मीडिया में, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होना एक बहुत बड़ी चीज रहती है। अगर आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो आपको माजी मुख्यमंत्री बोल के जो शुभकामनाएं दी है उसमें भी एक बड़ा मतितार्थ ये है कि आपने इस राज्य का नेतृत्व किया है, और आज आप अगर उस राज्य के नेतृत्व भी नहीं कर रहे हैं तो एक बड़ी उपाधि आपके पीछे लग गई है और उस उपाधि का उल्लेख करना एक कम नहीं है, ये आपका बड़प्पन बढ़ाता है, ऐसे मैं सोचता हूँ। और आज के दिन हम कुछ भी सवालों के जवाब नहीं देंगे, लेकिन एक चीज जो आदित्य जी ने बोली है वो एक बहुत ऐसी चीज है कि जिसके बारे में उनको बोलना नहीं चाहिए था, कि उन्होंने ऐसा बोला था कि आप अपने पद का इस्तीफा दे दीजिए और आप फिर से इलेक्शन लड़िए। तो हमको इलेक्ट किया है महाराष्ट्र की जनता ने और उस जनता ने हमको बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन है जिसको महाराष्ट्र में युति बोला जाता है, उस युति के कैंडिडेट के हिसाब से हमें जीत के दिया है और वो पब्लिक मैंडेट है, वो लोगों की भावना है। अगर आपने जब आघाड़ी बनाई थी महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में तो आपको तो जीता के नहीं दिया था लोगों ने उस नाम से, फिर भी आप लोगों के सामने नहीं गए कि हम लोग नया इलेक्शन लेंगे और बाद में वो महाविकास आघाड़ी करेंगे, ऐसे आपने नहीं बोला था। हमने जो युति की है वो तो नेचुरल युति है जिसको लेके हम लोगों के सामने गए थे। हमने मोदी साहब के वहाँ पे फोटोज लगाए थे, हमने बाला साहब के वहाँ पे फोटोज लगाए थे और लोगों से वोट मांगे थे, और जिस युति को लोगों ने वोट दिए थे वही आज सत्ता पे आ रही है। तो हमें कुछ भी जरूरत नहीं है, हम लोग युति कैसी होती है और वो कैसे कारोबार करती है आगे चल के, कैसे उनका कारोबार रहता है, वो लेके हम लोगों के सामने जाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे। और जो उन्होंने दूसरी चीज बोली है हमारे बारे में कि ये पुराने पत्ते हैं, तो इसके छांव में ही आप मंत्री बने हैं। जो हमारे 55 आमदार थे जिन्होंने इस महाविकास आघाड़ी को वोटिंग किया था, हमारा भी वोटिंग उस वक्त हुआ था, तब हमने भी हाथ ऊपर करके वोट आपको दिए थे, इसलिए आप 2.5 साल तक मंत्री रहे। तो एक भारतीय संस्कृति का ये भी एक वैशिष्ट है कि जिन्होंने आपके लिए कुछ भी किया है, चाहे 1% भी किया है, तो उनका आप लोग सम्मान करते हैं और वो सम्मान करते रहे तो ही हम लोग हिंदुत्व के संस्कृति के बारे में बोल सकते हैं, ऐसा मुझे खुद लगता है। जो भी सवाल हमारे बारे में पूछे गए हैं उनका तो जवाब मैं कल दे ही दूंगा, क्योंकि उद्धव साहब के बोलने पे कुछ जवाब मैं दे दूं इतना मैं बड़ा बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन जब वैचारिक धारा का विषय आता है तो उसके बारे में बोलना, उनके खिलाफ बोलना बिल्कुल नहीं है, ऐसे मैं समझता हूं, तो कल मैं इसका जवाब दूंगा। लेकिन एक बात मैं जरूर अपने सब महाराष्ट्र के जनता के सामने लाना चाहूंगा कि जब कोविड का काल था और उसमें जब हमारे कोविड के खिलाफ लड़ाई चल रही थी तो फील्ड पे जो लोग सबसे ज्यादा काम कर रहे थे उसमें हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहब थे, जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि जिन्होंने जम्बो कोविड सेंटर बनाया महाराष्ट्र में, जो MMRDA ने बनाया था, और वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतने बेड इतने कम समय में बन सकते हैं। इतना ही नहीं, हर जगह पे उन्होंने कोविड सेंटर्स बनाए। एक तो कोविड सेंटर ठाणा में ऐसा है कि जिसके लिए एक रुपया भी सरकार की तरफ से नहीं लिया गया था, पूरा खर्चा वो उन्होंने खुद और जो उनके जो चहेते सब कंपनीज है उन्होंने इकट्ठा आके ये सेंटर बनाया था। जब कोविड के दरमियान
रेमडेसिविर जो दवा है उसका 35,000 रुपया मूल्य लिया जा रहा था महाराष्ट्र में, उस वक्त उन्होंने सब रेमडेसिविर की दवाएं बिना मूल्य महाराष्ट्र को जनता को बांटी थी। इतना ही नहीं, इन दरमियान वो दो बार कोविड के शिकार हो चुके थे, उनको कोविड का इन्फेक्शन हो चुका था, उसके बावजूद भी पूरे महाराष्ट्र में वो जा रहे थे और पूरे महाराष्ट्र को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का एक कमी थी महाराष्ट्र में, उस वक्त यूके से भी उन्होंने इम्पोर्ट किए थे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। तो एक उनका ये स्वभाव रहा है कि वो जनता के साथ रहते हैं, और ये जो सब श्रेय है उन्होंने अपने पार्टी को दिया था, शिवसेना को दिया था, हमारे नेता उद्धव साहब को दिया था। तो उनका एक वो स्वभाव रहा है कि जो भी वो करते हैं जनता के लिए उसको समर्पित करते हैं अपने पार्टी को और अपने नेता को। तो आज भी उनका ये जो समर्पण है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज एक अच्छा दिन है तो अच्छे दिन के लिए ये होना चाहिए। और दूसरी एक खास चीज ये है कि जो मुख्यमंत्री निधि रहता है उसमें से जो गरीब लोग रहते हैं उनको मदद की जाती है। जब हमारे युति का शासन था महाराष्ट्र में, तो वो शासन के दरमियान हम लोग 3 लाख रुपया जो गंभीर रूप से उनको इलाज चल रहा है, गंभीर रोगों के ऊपर उनका उपचार चल रहा है, उसको हम लोग 3 लाख रुपया देते थे। और उससे जो कम जिनकी बीमारी है उनको हम लोग 1 लाख रुपया देते थे। जब महाविकास आघाड़ी का शासन महाराष्ट्र में आ गया तो उसको रिड्यूस करके 1 लाख रुपया और 25,000 रुपया किया गया, जबकि हम लोग 550 करोड़ रुपया युति के शासन में दे चुके हैं। तो इस शासन के दरमियान वही आ गया 45 करोड़ या 50 करोड़ कुछ रहेगा, तो ये मदद बढ़ानी चाहिए। ऐसे कल मैंने बात की थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, और शाम को मैं उप मुख्यमंत्री जी से भी मिला, और उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि जो 3 लाख और 1 लाख की मदद दी जा रही थी उसको रिस्टोर करना चाहिए, और उन्होंने उसको पॉजिटिवली लिया है। और आज एक अच्छा दिन है, इस दिन में अगर वो ये निर्णय लेते हैं तो एक बाबा साहब की जो स्मृति है उसको भी ये अभिवादन समझा जाएगा, ऐसे मैं समझता हूँ। तो आज एक अच्छा दिन है, जो भी वैचारिक मुद्दे उठाए गए हैं उसके बारे में मैं कल निश्चित रूप से उत्तर दूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इंटरव्यू है वो उनके प्रवक्ता ने लिया हुआ है, तो प्रवक्ता को ये देखना चाहिए कि हम लोग ऐसे इंटरव्यू ले जिसके उत्तर भी पॉजिटिव आ जाए और जनता की शुभकामनाएं ये उद्धव साहब को मिले। आपने देखा कि कल की जो इंटरव्यू थी उसके बारे में एक रिएक्शन आ गया, अदर जो पार्टीज है उनकी तरफ से रिएक्शन आ गया, तो ये रिएक्शन आना कुछ अच्छी बात है ऐसे मैं नहीं समझता हूँ। तो उनको भी ये केयर लेनी चाहिए कि ऐसे शुभम जो ये रहते हैं मौके रहते हैं, उस मौके पे अच्छी तरह से ऐसे सवाल पूछे जाए ताकि सब महाराष्ट्र के वजह से सब पार्टी की तरफ से शुभकामना आ जाए उनके लिए। तो आगे चल के वो ये प्रिकॉशन लेंगे ऐसे मैं सोचता हूँ। और वो एक महाविकास आघाड़ी बनी, उनके वो एक प्रमुख थे जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन था ये महाविकास आघाड़ी में बनने के लिए, तो उनके बारे में भी कुछ अच्छे निर्णय होने चाहिए थे। जब गठन हुआ उस मंत्रिमंडल का, तो कुछ अच्छे निर्णय उनके बारे में और उन्होंने जो सेवा की है उसके बारे में कुछ अच्छे निर्णय होने चाहिए थे ऐसे मुझे लगता है। और इसलिए ये प्रिकॉशन नहीं लिया तो उनका भी माइंड एक ठीक से और एक पॉजिटिव दिशा में काम करता, लेकिन ऐसे निर्णय लेते हुए कुछ कमियां रह गई होंगी, तो उसका भी उल्लेख मैं करता हूँ कि उनके तरफ से रिस्पेक्ट होने की वजह से मैं ये उल्लेख करता हूँ। और मैं आज भी आप सबसे विनंती करूँगा कि आज कोई भी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री महोदय की किया हुआ ट्वीट हो, तो उसके एक पॉजिटिव रूप में आप देखिए। और हमारी शुभकामनाएं आज है, कल भी रहेंगी, लेकिन जो मुद्दे उठाए गए थे उनके बारे में मैं जरूर जवाब दूंगा। मराठी में पूछने दीजिए, मैंने देखिए, सुनिए आप सुनिए, मराठी मध्ये असलं तर एकाने एक विचारा आणि चांगले प्रश्न विचारा जेणेकरून आम्ही शुभकामनाएं देऊ शकतो। चांगला मुला बोलताय, पण अशा प्रकारे मुलाखतीचे दोन भाग घेणं, पालक पासून हा गद्दार उल्लेख करणं, कुठेतरी परतीचा मार्ग ते स्वतःच बंद करतात असं वाटतंय का?
हे बघा, मी नेहमी तुम्हाला असं सांगतो की एकीकडे असं म्हटलं जातं की आम्ही उद्या मी याची उत्तरं देईन ना तुम्हाला, आपण एक लक्षात घ्या की मी आज काय म्हटलं की आज शुभेच्छा देण्याचा दिवस आहे, त्याच्यामुळे आज उत्तर नको, तुमचे जे काय प्रश्न असतील मी उद्या उत्तर देईन. शुभेच्छांचा जो आपण उल्लेख केला आहे, शुभेच्छांचा उल्लेख केला आहे, त्या उल्लेखामध्ये पक्षप्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे किंवा माजी मुख्यमंत्री असा शब्द उल्लेख केला. पक्षप्रमुख जर उल्लेख केला असता तर ते बरं वाटलं असतं, किंवा शिवसेनेकडून बोलत असतात. पक्षप्रमुख मानत नाही का तुम्ही त्यांनी? आता आम्ही पक्षप्रमुखांची जागा सुद्धा आमची ज्याला नॅशनल असेंब्ली झालेली होती त्याला आम्ही ती जागा मोकळीच ठेवलेली आहे. कोणासाठी मोकळी ठेवली? तुम्हाला माहिती आहे की त्यांनी शेवटी जागा ती स्वीकारून सगळं गोड व्हावा शेवट अशी अपेक्षा असल्यामुळे शिंदे साहेबांनी ती मोकळी ठेवली असावी. परंतु मला मला एवढंच तुम्हाला सांगायचंय की आजच्या दिवशी अप्रिय प्रश्न का घ्यायचे? पक्षप्रमुखापेक्षा महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्री पद हे कधी कधी वरचं आहे, कारण पक्षप्रमुख हे पक्षाशी निगडीत पद आहे आणि मुख्यमंत्री पद हे सगळ्या जनतेशी निगडीत पद आहे आणि त्याच्यामुळे कधीही मुख्यमंत्री पद हे महाराष्ट्राच्या सर्व जनतेचं असतं आणि त्याच्यामुळे माजी मुख्यमंत्री असा उल्लेख करणं हा एक आदराचा भाग आहे, त्यांनी तो केलेला आहे आणि त्याच्यामधून कुठलेही चुकीचे अर्थ काढू नये अशी आपण सगळ्यांना विनंती आहे. सर, चांगली बातमी बोलताय तर मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि चांगली बातमी राज्याला कधी मिळणार? आणि आज संध्याकाळीची गोष्ट कळते की मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री दिल्लीला जाणार आहे, ती खरी आहे का? एक गोष्ट आहे की त्यांनी कधी दिल्लीला जावं हा त्यांचा विषय आहे, परंतु भाजप हा एक राष्ट्रीय पक्ष आहे आणि त्याच्यामुळे जर तुम्ही सोनिया गांधींच्या भेटीला दिल्लीला जाऊ शकतात तर आमचे नेते मोदी साहेबांच्या किंवा अमित शहांच्या किंवा नड्डाजींच्या भेटीला का जाऊ शकत नाही हा प्रश्न आहे. अडचण काहीच नाही आहे. तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या की महाराष्ट्राच्या समोर ज्याला काही अडचणी येतात, आपला शेतकरी अडचणीमध्ये आहे, पुराची परिस्थिती आहे, तर त्या जास्त प्रायोरिटी या गोष्टी असतात. आमच्या दृष्टीने तुम्हाला मी साऊथचं एक उदाहरण दिलं की एका राज्याचे मुख्यमंत्री हे त्यांना 2/3 जास्त बहुमत मिळून सुद्धा 3 महिने ते एकटेच कारभार करत होते, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये काही चुकीचं आहे असं आम्हाला वाटत नाही. परंतु जी एक मागणी केली जाते विरोधी पक्षाकडून की त्या ठिकाणी पालकमंत्री असावे की जेणेकरून त्या त्या जिल्ह्याला अटेंड करत असताना पालकमंत्री असले तर मदत होते, ही भूमिका मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दोघांनाही मान्य आहे. काल रात्री सुद्धा माझी त्यांच्याशी चर्चा झालेली आहे, त्याच्यामुळे जनतेच्या त्या भावना आहेत त्या त्यांनी लक्षात घेतलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे लवकरात लवकर ते विस्तार करतील. देखिए, जो विस्तार किया जाता है उसके बारे में अनाउंसमेंट करना ये मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री जी का प्रियोगेटिव है, तो उनका प्रियोगेटिव मैं नहीं यूज कर सकता, मैं सिर्फ प्रवक्ता हूँ. तो जनता की जो भावना है जो आपकी तरफ से मुझ तक पहुंच गई वो मैंने शिंदे साहब को भी पहुंचाई है और फडणवीस साहब को भी पहुंचाई है और उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द विस्तार हो जाए. इसमें सवाल ये है कि विपक्ष लगातार ये बोल रहा है कि बाढ़ की स्थिति है, कई सारे प्रश्न है, लेकिन ये सरकार असंवैधानिक है, इलीगल सरकार है और यही मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है, इसके कारण ये विस्तार नहीं हो रहा है. नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है. देखिए, 15% का जो निर्णय हुआ था, मैंने पहले भी मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब मैंने दिया है कि अटल बिहारी जी जब पंतप्रधान थे, माननीय अटल बिहारी जी, तब ये 15% का निर्णय हुआ था. उस वक्त कहीं कहीं राज्यों में जहां 80 आमदार रहते थे उनमें से 50 तो मंत्री रहते थे और उनको डिपार्टमेंट देना चाहिए, इसलिए डिपार्टमेंट को सब डिवाइड किया जाता था और ये ऐसी स्थिति न हो भारत में, इसलिए ये निर्णय किया गया. लेकिन ऐसे छोटे भी राज्य है जिसमें, समझिए गोवा का अगर एग्जाम्पल लो तो उसमें 40 ही MLAs है, तो उसमें अगर 6 ही मंत्री बनेंगे तो अच्छी तरह से कारोबार नहीं होगा, इसलिए उसको मर्यादा रखी गई और वो 12 मिनिस्टर की मर्यादा रखी गई. चाहे आपका राज्य छोटा भी है तो भी आप 12 मंत्री कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उससे कम मंत्री हो तो वो राज्य नहीं कर सकते. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था और आप उनका ही देखिए, महाविकास आघाड़ी के उनके 10 मंत्री थे तो 12 से कम ही थे ना, फिर भी वो राज कर रहे थे. तो ऐसे बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ प्रायोरिटीज थी, जो प्रायोरिटीज थी जैसे फ्लड सिचुएशन थी, लोगों को मदद करने की थी, उसमें हमारे
मिले, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उसमें बिजी थे, तो अभी वो ये करेंगे। और देखिए, एक भी एमएलए ने ऐसा नहीं बोला है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी कीजिए, क्योंकि हम लोग सब सेटिस्फाइड है कि लोगों की मन की सरकार आ गई है, तो जब भी वो चाहे विस्तार कर सकती है। और हम सब एमएलए के साथ सरकार साहब, एक सवाल ये है कि शिवसेना पक्ष प्रमुख बड़ा होता है शिवसेना में या कि पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि आज का जो सीएम का ट्वीट था उसमें पक्ष प्रमुख हमेशा से अब तक ऐसा रहा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी पक्ष प्रमुख शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज मुख्यमंत्री की तरफ से इससे आप कुछ भी गलत निष्कर्ष मत निकालिए, यही मेरा कहना है। क्योंकि मुख्यमंत्री ये पूरे राज्य का मुख्यमंत्री रहता है और पक्ष प्रमुख सिर्फ उस पक्ष का रहता है, तो जब वो एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो पूरे महाराष्ट्र के बन गए। और ये मुख्यमंत्री हमेशा पक्ष प्रमुख, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का पद है और मुख्यमंत्री पूरे महाराष्ट्र का पद है, तो हमेशा ये ऊपर ही रहेगा। आपने कहा कि आपकी पार्टी जो कार्यकारिणी हुई उसमें पक्ष प्रमुख का पद जो है वो वैकेंट रखा गया, वो वैकेंट रखा गया है, लेकिन वो कब भरा जाएगा उसका जवाब भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। आपने ये कहा कि आप खुद कह रहे अपने गुस्से की पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे को आपने शुभकामनाएं दी है, दीपक केसरकर खुद पक्ष प्रमुख मान रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो इस बात को मान नहीं रहे, इस ट्वीट से ये बात साबित हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ट्वीट से गलत, आपको पॉजिटिवली देखिए ना, अब हर चीज को अगर इस नजरिए से देखेंगे तो वो गलत होगा। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली जाने को लेकर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि वो दिल्ली के सामने घुटने टेक रहे हैं, वहाँ का रिमोट कंट्रोल से यहाँ का मुख्यमंत्री चल रहा है। देखिए, आपको मालूम है कि जब महाविकास आघाड़ी का गठन हो रहा था तो पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना और उसके बाद उन्होंने अपना सपोर्ट डिक्लेयर किया, उसके लिए उन्होंने एक महीना लिया एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए और अपना जो सपोर्ट है वो डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने एक महीना लिया। तब कब हमने बोला था कि आपने दिल्ली के साथ घुटने टेक दिए? दिल्ली तो सेंटर है भारत का और कभी भी देश ये राज्य से बड़ा रहता है और इसीलिए देश के पंतप्रधान को मिलना इसमें कोई कमी नहीं है, वो तो देश के सर्वोच्च पद है, वो तो उनको ही मिलने में कोई उनको ये लगे कि वो कोई छोटी चीज कर रहे हैं तो उनको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। संभाजी नगर ज्ञानाला उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आलेलं आहे, भारताची आहे याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे, 1 तारखेला सुनावणी आहे, याकडे तुम्ही कसं पाहता? माझं म्हणणं असं आहे की हे कुठल्या धर्माशी संबंधित नाव नाहीये। औरंगजेब हे बादशाह होते, ते केवळ भारताचे नव्हते, तर त्याच्यामध्ये इराण सुद्धा येत होतं, पाकिस्तान सुद्धा येत होतं, ते सगळ्याचे मिळून ते बादशाह होते, परंतु अत्यंत क्रूर असे ते राजा होते आणि त्यांनी महाराष्ट्रावर आक्रमण केलं, आपली सगळी सेना घेऊन ते महाराष्ट्रामध्ये आले, परंतु त्यांना महाराष्ट्र जिंकता आला नाही, त्यांचं जे अंत्यसंस्कार सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये झाले आणि त्यांची जी कबर आहे ती सुद्धा महाराष्ट्रामध्येच आहे, परंतु महाराष्ट्राच्या राजाचा अत्यंत क्रूरपणे त्यांनी त्या ठिकाणी अंत केला आणि का अंत केला तर त्यांनी आपला धर्म बदलायला नकार दिला आणि म्हणून संभाजीराजेंना धर्मवीर संभाजी म्हटलं जातं। त्यांचे डोळे काढले गेले, त्यांच्या शरीराचे तुकडे गेले गेले, तरी पण त्यांनी आपलं हे बदललं नाही, आपलं जे म्हणणं होतं ते बदललं नाही, आपल्या धर्माचा स्वाभिमान बदलला नाही, त्याच्यामुळे त्या सम्राटाचं नाव महाराष्ट्रामध्ये असावं की ज्या राजाने आपलं बलिदान आपल्या धर्मासाठी केलं त्यांचं असावं, हा इतिहासाशी संबंधित विषय आहे, तो कुठल्याही धर्माशी संबंधित विषय नाही आणि त्याच्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न आहे आणि तिथं काय महाराष्ट्रातली 100 नावं आम्ही बदललेली नाही आहे, जी धर्माशी संबंधित अशी किमान 100-200 नावं असतील गावांची आम्ही ती बदललेली नाही आहेत, आम्ही फक्त संभाजी महाराजांचं स्मरण म्हणून ते नाव बदललेलं आहे आणि ते बाळासाहेबांच्या स्वप्नातलं नाव होतं आणि ते पूर्ण करणं हे आमच्या सरकारचं कर्तव्य। मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नाही त्याच्यामुळे अधिवेशन रखडले आणि सर्वसामान्यांचा प्रश्न मार्गी लागत नाही, बघा असं असतं की सर्वसामान्यांचे विषय जे असतात हे अधिवेशनाच्या पूर्वी जे मुख्य अधिवेशन होतं त्याच्यामध्ये बजेट महाराष्ट्राचं ठरतं आणि ज्या वेळेला अशी अधिवेशनं होतात त्याच्यामध्ये सप्लिमेंटरी बजेट असतं
आणि त्याच्यामुळे ते मुख्य बजेट नसतं. मुख्य बजेटमध्ये सर्व विषयांना न्याय दिलेला असतो. त्याच्यामुळे असं काही नाही की अमुक वेळेला अधिवेशन झाल्यामुळे प्रश्न रखडले असं होत नाही. ऐनवेळेला जो खर्च करायचा असतो त्याच्यासाठी राज्याच्या कॅबिनेटला ते अधिकार असतात, त्याच्यासाठी वेगळे पैसे राखीव ठेवलेले असतात, हे सगळं तुम्हाला माहिती आहे. त्याच्यामुळे विरोधी पक्ष हे जे काय आरोप करतो हे आरोपामध्ये काहीही तथ्य नाही. जनतेला जो न्याय द्यायचा तो न्याय देण्याचं काम चालू आहे. आणि सगळ्यात जास्त निर्णय हे या काळात झालेले आहेत आणि याचं प्रमाण 125% आहे. म्हणजे निर्णय घेण्याचं प्रमाण 125% आहे आणि युतीच्या आघाडीच्या काळामध्ये जे निर्णय घेण्याचं पर्सेंटेज होतं हे फक्त 50% आहे. ही ऑफिशियल आकडेवारी आहे आणि ही शासनाच्या वतीने प्रदर्शित करण्यात आलेलं आहे. त्याच्यामुळे जलद गतीने निर्णय घेणारं हे शासन आहे आणि हे आम्ही आकडेवारीवरून सिद्ध करू शकतो. सर, कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप इसलिए कैबिनेट नहीं बन रहे क्योंकि आपके सामने जो ऑप्शन है कानून के हिसाब से, जैसे कि मर्ज होना, इसमें जो रेबेल एमएलए है उनका मत नहीं है, आप बीजेपी से मर्ज नहीं होना चाहते हैं, तो क्या ये भी एक कारण है कि आप सरकार नहीं बना पा रहे हैं, कैबिनेट नहीं बना? नहीं, बिल्कुल. एक तो चीज ये है कि कल जो कहा गया आप एमएमआई में या सपा में विलीन हो जाएंगे, तो ये पार्टीज है जिन्होंने महाविकास आघाड़ी को अपना समर्थन दिया था. उन्होंने हमें तो कभी समर्थन नहीं दिया. ये ऐसे बोलना गलत है. और मैंने आज भी बोला था आपको कि आज एक अच्छा दिन है. इसमें ये विचारधारा का हम लोग ये क्यों करें? आज तो एक अच्छा दिन है, अच्छे दिन के लिए शुभकामनाएं देनी चाहिए और मैं शुभकामनाएं दे चुका हूं. तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी खत्म. संभाजीनगर वाला जो कहना है उसके बारे में ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो औरंगजेब थे वो एक सम्राट थे. उसके उनका जो राज था उसमें अफगानिस्तान से लेके बहुत सारा प्रदेश आ रहा था, ना कि वो सिर्फ हिंदुस्तान के राजा थे. फिर भी उन्होंने आक्रमण किया महाराष्ट्र पे, अपनी पूरी फौज लेके वो महाराष्ट्र में आए, लेकिन वो महाराष्ट्र को जीत नहीं सके. उनके जो आदमी थे उन्होंने कुछ गलत फहमियां हमारे ही राज्य में करके हमारे जो राजा थे संभाजी महाराज उनको उन्होंने अरेस्ट किया. और उनको वो जब उनके उनके साथ थे, उनके कब्जे में थे, उस वक्त एक राजा को राजा की तरह ट्रीटमेंट देनी चाहिए. ये कानून हर एक प्रथा है पूरे विश्व में, लेकिन ये नहीं किया गया. उनको अपना धर्म बदलने के लिए कहा गया और जिन्होंने जब उन्होंने उसको इनकार किया तो उनकी आंखें निकाली गई, उनकी जो शरीर है उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए. और इसलिए महाराष्ट्र को अभिमान है संभाजी महाराज को, महाराज के तरफ जिनको धर्मवीर संभाजी बोला जाता है. तो ये किसी कौम या किसी कास्ट के या किसी हिंदू या मुस्लिम ऐसे ये सब्जेक्ट नहीं है, एक राजा से रिलेटेड सब्जेक्ट है और इसके पीछे इतिहास है. और उस इतिहास को ध्यान में रखते हुए ये नाम चेंज किए जा रहे हैं. कितने से नाम है जो किसी व्यक्ति पे आधारित है, जो किसी एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, लेकिन इसके बारे में ये चीज बिल्कुल नहीं है. ये एक इतिहास है और इस इतिहास के बारे में पूरे महाराष्ट्र को उसको उस पर अभिमान है और उस अभिमान का प्रतीक छत्रपति संभाजी महाराज है. इसलिए उनका नाम दिया जाना किसी कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं है, ये इतिहास से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है. इसलिए हम लोग समझते हैं कि ये करना वाजबी है, सही है, ऐसे हम लोग समझते हैं. थैंक यू.